दोस्तों, मंगल सिंह प्रभात लोधा जो महाराष्ट्र के एक विधायक है और बंबई के पालक मंत्री भी है, जिनका काम विधान भवन में बैठकर कानून बनाना और महाराष्ट्र के जनता के हित में कुछ कार्य करना होता है, लेकिन वो जिस कंपनी के सीईओ है, उनके बेटे की कंपनी है माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड, जो विक्रोली वेस्ट एलबीएस मार्ग पर हरिचंद टेक्सटाइल मिल कंपाउंड में लोधा एवरग्रीन करके नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही गैरकानूनी तरीके से चालू किया गया है। एमसीजीएम ने इसके ऊपर कार्रवाई की और उस कार्रवाई को बचने के लिए वो बीएमसी से भागकर एसआरए में गए। एसआरए में उनको थोड़ा बहुत परमिशन मिला, लेकिन जो पीछे 8 एकड़ में 40 या 50 भाड़ोत्री है, जो टेनेंट है, उनको भगाने के लिए वो ऐसे गैरकानूनी कृत्य कर रहे हैं जो अब मैं क्या कहूँ आपको। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वो गैरकानूनी काम के एक जीती जागती मिसाल है। कुछ महीने पहले ये भाड़ोत्रियों को, ये टेनेंट्स लोग को भगाने के इंटेंशन से जो वेकेटेड प्रीमाइसेस हैं, जो एग्जिस्टिंग टेनेंट्स के बाजू में रहने वाले आदमी लोग छोड़ के गए थे, उनके सभी प्रीमाइसेस तोड़ताड़ के इस ऐसे बेरहमी से और ऐसे अशास्त्रीय पद्धति से तोड़ रहे थे कि बाजू वाला टेनेंट हमका टेंशन में आना ही चाहिए और उनके शर्त पे उनसे सरेंडर करना चाहिए। पुलिस स्टेशन में इस बात की कंप्लेंट की गई, पुलिस आई थी, पुलिस दोनों पार्टियों को पुलिस स्टेशन में लेके गई, वहाँ बातचीत, प्रश्न उत्तर, इसमें सब गुमराह किया गया और 2 घंटे के बाद में जब पीछे आके देखते तो यहाँ तोड़ताड़ करके ख़त्म गए थे। ये अभी तक ऐसे 3 या 4 बार हुआ है। हमने कई मरतबा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की और कई मरतबा बीएमसी में भी कंप्लेंट की, एसआरए में भी कंप्लेंट की। बीएमसी वाले कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे प्राधिकरण में नहीं है, ये एसआरए में है, आप एसआरए के पास जाओ। एसआरए के पास जाते हैं तो एसआरए वाले कहते हैं हमने खाली फ्रंट पोर्शन जो 2 एकड़ का है उसमें हमको परमिशन दिया है, पीछे वाले 8 एकड़ में हमने कोई परमिशन दिया नहीं है। उसके बावजूद भी लोधा जी ये एवरग्रीन प्रोजेक्ट में पीछे टेनेंट जो है उनको भगाने के लिए उनके आजू बाजू के पड़ोस के जो वेकेटेड प्रीमाइसेस है उसको बहुत ही अशास्त्रीय रूप से तोड़ रहे, जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं। ये इसके वजह से बाजू के जो टेनेंट है उनकी दीवारें या उनका बिल्डिंग्स बहुत कमज़ोर होते जा रहा है और इसके लिए अभी कोई भी हमको चारा नहीं बचा है। ना पुलिस दाद दे रही है, ना प्रशासन में एक बीएमसी काम कर रही है, ना एसआरए कर रहे हैं। ये इस तरह से विधायक ही जब खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हैं तो क्या आम आदमी करेगा। ये तो सरासर अपने पावर का गैर इस्तेमाल करके कानून की धज्जियां उड़ने जैसा हो गया है। पूरा पीछे का कंपाउंड बंजर बनाया गया है, इतने डेब्रीज और इतने सब गंदगी पड़ी है कि पूछो मत। और यह करके हमारे आजू बाजू के गाले और आजू बाजू के बिल्डिंग बहुत ही डिलैपिडेट पड़ी है, ऐसे दर्शा के म्युनिसिपैलिटी में यही जाके अभी कंप्लेंट करेंगे, जो उन्होंने किया भी है, जिसके लिए कॉरपोरेशन बातें नहीं कर रही है क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे इसमें कंट्रोल में आता नहीं कि ये प्रोजेक्ट एसआरए में है। हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। लोधा जी जरा कुछ देखिए प्लीज़, पानी कटवा दिया है, रास्ते छोटे किए गए हैं, गंदे पानी कंस्ट्रक्शन का हमारे इधर छोड़ा जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। रात को वर्कमैन लोग को फैक्ट्री में काम करने के लिए परेशानी की जा रही है, टेम्पो रुकाए जा रहे हैं, परेशानियों का तो कुछ हद ही नहीं हो रही है। हमें बताया जा रहा है कि आप बहुत ही अनसेफ तरीके से काम करते हैं रात को वगैरह वगैरह। खुद ने उन्होंने 300 से 400 वर्कर को अंदर बिठा के रखा है उसी डिलैपिडेट बिल्डिंग में जहाँ वो खाना पकाते हैं और रात भर रहते हैं। वो उनके प्रशासन को चलता है, लेकिन हम रात को काम करेंगे हमारे इंडस्ट्री में तो नहीं चलता है। हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को तबाह करने की ये साजिश है और हमको कैसे भी करके यहाँ से हकालने की साजिश हो रही है।